बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था फाइव जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ा दिए थे कि उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, किसने क्या इन्वेंट किया था। फाइव जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, आई होप सबने पढ़े होंगे। आज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताऊँगी जो आप लास्ट क्लास में आई गेस पढ़ चुके हो कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कौन कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो सबसे छोटे होते हैं साइज में, जैसे कि जो हम पर्सनली जो एक इंसान, एक पर्सन एक बार में उस पर काम करता है, जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, नोटपैड हो गया, आपकी नेटबुक्स हो गई, लैपटॉप हो गया, ये सारे क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, दे आर डिज़ाइन फॉर द यूज़ ऑफ वन पर्सन, सो दे आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर एंड दे आर मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स, जिसके एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? इन द स्कूल्स, होम्स, ऑफिस, शॉप्स एट्सेट्रा, राइट? आप सबने देखा होगा। अब आया मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो माइक्रो कंप्यूटर्स से थोड़े से बड़े होते हैं और फास्टर होते हैं, और उनकी मेमोरी उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड दे आर बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। दे आर यूज इन ऑफिसेज टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स टूगेदर। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क वाइज कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। ओके, उनके एग्जाम्पल जैसे कि PDP-8। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो मिनी कंप्यूटर्स से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैव फास्टर स्पीड और उससे भी ज़्यादा लास्ट रेंज होती है। और ये जितने भी कंप्यूटर्स मैं आपको करा रही हूँ वो सीरीज़ में है। सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बाद मेन फ्रेम, और उससे बाद सबसे बड़ा आता है सुपर कंप्यूटर। सो व्हाट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव फास्टर स्पीड, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मतलब माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा। सो दे आर लार्ज कंप्यूटर्स एंड हैव मैनी टर्मिनल कनेक्टेड विद अ नेटवर्क। बहुत सारे टर्मिनल कनेक्शन से नेटवर्क से कनेक्ट होता है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? दे आर यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होते हैं, एंड मोस्टली यूज फॉर बिजनेसिस एंड साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेज के लिए यूज़ होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए, IBM Z Series, PDP-10 एंड System Z10। और सबसे बड़े कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स, जो आप कैरी नहीं कर सकते हो अपने हाथ में कहीं पे भी, इसलिए ये पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं होते, ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए काम आते हैं, डिफेंस पर्पसेस के लिए काम आते हैं, मिसाइल्स को कंट्रोल करने में, सैटेलाइट को कंट्रोल करने में, इन सब चीज़ों को कंट्रोल। और इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? Cray-1, 2, परम एंड, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। और इनके सीरीज़ भी, ओके, सीरीज़ वाइज माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। अब आज मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। ओके, इसके अंदर आपको क्या करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर द एप्रोप्रिएट कॉलम। कैसे? ये आपको, आप नाम से आपको दिख रहा होगा, ये UNIVAC 3, IBM 360, Apple Macintosh एंड Mac 1, ENIAC, NCR 300 सीरीज, UNIVAC, ये सारे क्या हैं? ये कंप्यूटर्स हैं, जनरेशन वाइज लिखे हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू लेके फिफ्थ तक। अब इसको आपने अरेंज करना है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन में आएगा, कौन से सेकंड में आएंगे, कौन से थर्ड में, कौन से फोर्थ में, कौन से फिफ्थ में। ये आप अपने आप याद करके कर सकते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज में आपको कराऊंगी जो पेज नंबर 14 पे है, वो आपने ध्यान से पढ़नी है। ओके, और अपनी कॉपी में इसे कंप्लीट करना है। अब एक्सरसाइज में देखिए, अगर आप ये पूरा चैप्टर कर चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको जो जो भी पढ़ाया है, लाइक अर्ली टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन, अर्ली इन्वेंशंस ऑफ कैलकुलेशन, अबैकस एंड नैपेड बोन्स और ये सब चीज़ें, उसके क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप कर सकते हैं। तो अब ये मैं आपको एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, जो आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आप अपने आप ही काम करेंगे। ओके, अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपने करेक्ट करना है। ओके, तो क्या है? द एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय, मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज एनालिटिकल इंजन, आपको मैंने बताया था अर्ली मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस, अर्ली टेक्निक्स ऑफ, यहाँ पे मैंने आपको पेज नंबर 7 पे आपको पढ़ाया था व्हाट इज एनालिटिकल इंजन। ये किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बैबेज ने, राइट? तो यहाँ पे आपका एनालिटिकल इंजन का जो क्वेश्चन है, द एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय,
बताओ, ब्लेज पास्कल, जॉन नैपियर, जॉन पी एकर्ट या फिर चार्ल्स बेबेज? आंसर इज चार्ल्स बेबेज, अभी मैंने आपको दिखाया। अब सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ 9 बोन्स और स्टिक्स विद नंबर्स मार्क्ड ऑन देम? मैंने ये भी आपको बताया था, ये भी पेज नंबर आपका पेज नंबर 6 पे है, ये था ना 9 स्टिक्स पे आपके मार्क्स होते हैं, ये क्या चीज़ होती है? नैपियर्स रोड्स या फिर नैपियर्स बोन्स। तो आप इसमें जो आपके पास क्वेश्चन दे रखे, ऑप्शन दे रखे, उसमें से आपका कौन सा आंसर होगा? एबैकस, एनालिटिकल इंजन, पास्कल या नैपियर्स बोन? द आंसर इज नैपियर्स बोन्स। अब थर्ड, डैश वॉज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड ए आइकिन, बताओ। हॉवर्ड ए आइकिन ने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेंट किया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ओके, ये देखिए आपको ये नाम दिख रहा है, हॉवर्ड एच आइकिन ने 1944 में क्या इन्वेंट किया था? मार्क वन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि डैश वॉज इन्वेंटेड इन हॉवर्ड आइकिन, आंसर इज मार्क वन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर? ये तो सबको पता है, पर्सनल कंप्यूटर मैंने अभी आपको पढ़ाया जस्ट अभी। पर्सनल कंप्यूटर जो सबसे छोटे होते हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये सब, मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर या नन ऑफ दीज? सुपर कंप्यूटर जो सबसे बड़े होते हैं, मिनी जो ऑफिस वगैरह में यूज़ होते हैं, बहुत से टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है वो पर्सनल कंप्यूटर, कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे छोटे होते हैं, जो विच अ पर्सन कैन कैरी, और एक पर्सन उस पर काम करता है एक बार में। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आज एक ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आप अपनी कॉपी या नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे काम, ठीक है? सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ईच रोड इन हेवन, ये ईच रोड इन हेवन और अर्थ, ये सब चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी? अबैकस में। ओके, ये चीज़ याद रखनी है आपने, तो ईच रोड इन हेवन हैज़ डैश बीट्स एंड अर्थ हैज़ डैश बीट्स, ये आप पीछे से पढ़ेंगे अबैकस को, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको याद आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ईच रोड इन हेवन हैज़ 2 बीट्स एंड अर्थ हैज़ 5 बीट्स। ओके, और डैश वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन डैश, ब्लेज पास्कल ने क्या इन्वेंट किया था वो भी आप पीछे से पढ़ेंगे ताकि आपको रिवाइज हो। पास्कलिन, पास्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1641। मैं आपको फिर दिखा भी देती हूँ, पास्कलिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पेज नंबर 6 पे, ब्लेज पास्कल ने क्या इन्वेंट किया था? पास्कलिन, द पास्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1641। ओके, ये याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, और जो समझना आए मुझसे पूछ सकते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट कार्ड, डैश कार्ड्स वर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन, कौन से कार्ड्स यूज होते थे रिकॉर्ड करने के लिए डाटा और स्टोर करने के लिए? मैंने आपको बताया था पंच्ड कार्ड्स, जिसके अंदर हम डाटा डाल के, इनपुट डाल के उसमें फीड करते थे। सो पंच्ड कार्ड्स वर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन, ये देखिए। ओके, ये रे पंच्ड कार्ड्स, मैंने आपको कहा था पंच्ड कार्ड इज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इन विच इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है? तो पंच्ड कार्ड वर यूज इन, पंच कार्ड्स वर यूज टू रिकॉर्ड स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल बी बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होगा? जो कंप्यूटर में नहीं है होता, तो उसमें हमने आर्टिफिशियल डाला है, वट इज दिस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ, डैश वॉज डिजाइन बाई प्रोफेसर एम वाइक इन 1949, कौन सा बताया था? एडसैक, ये किसने इन्वेंट किया था? प्रोफेसर एम विल्क्स ने 1949 में, और एडसेक की फुल फॉर्म आप सबको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, ये मैं आपको 2 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, और ये आपको कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय।